कलर्स टीवी का वन ऑफ द टॉप रियलिटी शो राइजिंग स्टार अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से लोगों का दिल जीत रहा है। इस शो में सुरीले सिंगर्स को मिलता है मौका अपनी आवाज से दीवार उठाने का। ये दीवार कभी सोच की होती है तो कभी मेहनत। हर वीक कोई न कोई सेलिब्रिटी गेस्ट इस शो में आके चांद चांद लगाता है और इस वीक के मेहमान है कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के मामले में सबसे तेज यानी मनीष पॉल। शो की शुरुआत में कुछ नन्हे कॉमेडियंस आते हैं जज के रूप में, जिस पर शो के होस्ट रवि दुबे लेते हैं खूब मजे और उसी के बाद शान अपनी सुरीली आवाज में सबको एंटरटेन करते हैं, जहां वो शो में एंट्री लेते हैं मनीष पॉल के साथ और सब वही शान के धुन पर थिरकते हैं। मनीष पॉल शो में आए और कुछ मस्ती मजाक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ भी मनीष और रवि लड़ते हैं अपने प्यार के लिए यानी शंगु ताई के लिए। इन सब के बीच आपको देखने मिलेगा शान और शंकर महादेवन का डुएट परफॉर्मेंस और ठीक उसी के बाद होती है शुरुआत कंटेस्टेंट के धमाकेदार परफॉर्मेंसेस की, जहां एक से एक सुरीली आवाज जजेस को इम्प्रेस करती है। बात करें मनीष पॉल की अपकमिंग मूवी बाबा ब्लैक शिप की, तो ये फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं राइजिंग स्टार के इस एपिसोड के लिए हमें कमेंट के जरिए। कलर्स टीवी का वन ऑफ द टॉप रियलिटी शो राइजिंग स्टार अपने यूनिक कॉन्सेप्ट से लोगों का दिल जीत रहा है। इस शो में सुरीले सिंगर्स को मिलता है मौका अपनी आवाज से दीवार उठाने का। ये दीवार कभी सोच की होती है तो कभी मेहनत। हर वीक कोई न कोई सेलिब्रिटी गेस्ट इस शो में आके चांद चांद लगाता है और इस वीक के मेहमान है कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के मामले में सबसे तेज यानी मनीष पॉल। शो की शुरुआत में कुछ नन्हे कॉमेडियंस आते हैं जज के रूप में, जिस पर शो के होस्ट रवि दुबे लेते हैं खूब मजे और उसी के बाद शान अपनी सुरीली आवाज में सबको एंटरटेन करते हैं, जहां वो शो में एंट्री लेते हैं मनीष पॉल के साथ और सब वही शान के धुन पर थिरकते हैं। मनीष पॉल शो में आए और कुछ मस्ती मजाक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस यहाँ भी मनीष और रवि लड़ते हैं अपने प्यार के लिए यानी शंगु ताई के लिए। इन सब के बीच आपको देखने मिलेगा शान और शंकर महादेवन का डुएट परफॉर्मेंस और ठीक उसी के बाद होती है शुरुआत कंटेस्टेंट के धमाकेदार परफॉर्मेंसेस की, जहां एक से एक सुरीली आवाज जजेस को इम्प्रेस करती है। बात करें मनीष पॉल की अपकमिंग मूवी बाबा ब्लैक शिप की, तो ये फिल्म 30 मार्च को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं राइजिंग स्टार के इस एपिसोड के लिए हमें कमेंट के जरिए